हेलो क्लास, आज हम अपने सेकंड चैप्टर बाल गोविंद भगत के प्रश्न उत्तर पे विचार विमर्श करेंगे। तो आप सबसे पहले अपनी बुक्स जो हैं वो खोल लीजिए और हम सबसे पहले बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे? तो इसका उत्तर है पेज नंबर 70 और सेकंड पैराग्राफ में हम देखते हैं। देखिए, बाल गोविंद भगत साधु थे परंतु गृहस्थ जीवन व्यतीत करते थे, खेतीबाड़ी थी, ठीक है। और फिर ये लाइनें लिखने के बाद आप सेकंड लाइन पे आइए। कबीर को वो साहब मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते थे, उन्हीं के आदेशों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते, किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते थे, ना ही किसी से ख्वाम का झगड़ा मोल लेते थे, किसी की चीज को छूते नहीं थे और बिना पूछे उसको व्यवहार में नहीं लाते थे। वो कभी किसी दूसरे के खेत में शौच के लिए नहीं बैठते थे और उनके खेत में जो कुछ भी होता उसको पहले साहब के घर यानी कि मठ में ले जाकर उसको भेंट स्वरूप देते और प्रसाद के रूप में जो कुछ भी उनको मिलता और उन्हीं से पूरा अपना गुजर बसर करते। तो ये था पहले का आंसर। इसको आप अच्छे से फ्रेम करके आंसर को अपने शब्दों में लिखेंगे। दूसरा है क्वेश्चन, भगत की पुत्र वधु उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? तो आप सबको पता है कि बाल गोविंद भगत जी का इकलौता पुत्र जो था उसकी मृत्यु होने के बाद आपने कहानी में पढ़ा कि जो है बाल गोविंद भगत तो अपनी पुत्र वधु से कहते हैं कि अब वो दूसरी शादी कर ले, तो उनकी जो बहू है उनसे साफ मना करती है। तो इसके आंसर के लिए आप आ जाइए पेज नंबर 73 पे। पेज नंबर 73 के सेकंड पैराग्राफ पे आइए कि भगत की पुत्र वधु उसे बुढ़ापे में अकेले इसलिए नहीं छोड़ना चाहती थी कि बुढ़ापे में उनके लिए भोजन कौन बनाएगा, उनके बीमार पड़ने पर उन्हें दवा कौन देगा। तो ये कारण थे, इसलिए उनकी पुत्र वधु ने छोड़ना नहीं चाहती थी। प्रश्न नंबर 3 है, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की? तो इसका उत्तर जानने के लिए आपको पेज नंबर 72 के थर्ड पैराग्राफ में आना होगा। थर्ड पैराग्राफ के अंतिम लाइनों में आइए, यहाँ आपको मिलेगा कि बेटे को आंगन में एक चटाई पर लेटाकर एक सफेद कपड़े से ढांक रखा था। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते, उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिए और उसके साथ तुलसी दल भी। सिराने एक चिराग जला दिया और उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाकर गीत गा रहे थे। इसके साथ साथ आप थोड़ा सा दो लाइनें छोड़ दीजिए और गीत गाते गाते कभी कभी पोतोहू के नजदीक भी आते और उसे रोने के स्थान पर उत्सव मनाने को कहते और ये कहते कि इसमें रोने की कोई बात नहीं है, खुश हो, उत्सव मनाओ, क्योंकि आत्मा और परमात्मा का मिलन हुआ है, आत्मा परमात्मा के पास चली गई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ है, भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। तो इसका आंसर आपको मिल सकता है पेज नंबर 17 यानी पार्ट के स्टार्टिंग के ही फर्स्ट पैराग्राफ में कि बाल गोविंद भगत क्या थे? एक संत स्वभाव के व्यक्ति थे, जो मिला उसी में ही संतुष्ट रहते थे। तो उनका जो कद था वो गोरे जो है मंझोले कद के थे, गोरे चिट्टे आदमी थे, वो लंबी दाढ़ियां जटाजूट नहीं रखते थे, हमेशा उनका चेहरा सफेद बालों से ही जगमग किए रहता, कपड़े बिल्कुल कम पहनते, कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों की सी कंफटी टोपी, जब जाड़ा आता एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते, मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामनंदी चंदन का टीका जो नाक के एक छोर से होकर जाता था। तो ये है आपका चौथे प्रश्न का उत्तर, आपको यहाँ से मिल जाएगा। बस आपको शब्दों से उन्हें
जो है फ्रेम करना है। आगे है हमारा फिफ्थ जो क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी। तो देखिए ये मैं थोड़ा आपको बोल दे रही हूँ कि बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों को हैरान कर देती थी। वे खरे व्यवहार के थे। वे रोज चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी, भोर में उठकर 2 मील दूर स्थित नदी में स्नान करते थे। सॉरी, वापसी पर वे गांव के बाहर स्थित पोखर के किनारे प्रभु भक्ति के गीत टेरा करते थे। उनके इन प्रभाती गानों को सुनकर लोग हैरान हो जाते थे। तो ये था लोगों की हैरानी का कारण। अब है प्रश्न नंबर 6 कि पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं लिखी है। तो इसके आंसर के लिए आपको आना पड़ेगा पेज नंबर 71 पे आइए, फर्स्ट पैराग्राफ। बाल गोविंद कबीर के पदों को गाते थे और उनके गीतों को गाते हुए ही जो है उनका एक एक शब्द संगीत के जीने पर चढ़ जाता और कुछ ऊपर स्वर्ग की ओर और कुछ वो नीचे जो है पृथ्वी की ओर भेजते उन अपने संगीत के सुरों को। पृथ्वी की जो मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की और भी पृथ्वी में जो मिट्टी पर खड़े लोग हैं, पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोग हैं, तो कुछ को वहां कबीर के जो गीत वो गाते थे उनके सुरों को भेजते थे और खुद को वो आसमान पे जो है स्वर्ग की ओर भेजते थे। फिर है इसमें आगे लाइन, देखिए, बच्चे खेलते हुए झूम उठते, मेड़ पर खड़ी औरतों के होंठ कांप उठते थे, वे गुनगुनाने लगती थी, हलवानों के पैर भी ताल से उठने लगते थे, रोपनी करने वालों की अंगुलियां अजीब क्रम से चलने लगती थी, बाल गोविंद भगत का ये संगीत नहीं उनका जादू था। और क्वेश्चन नंबर 7 है कि कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते, पाठ के आधार पर उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए। तो देखिए आपने पूरी कहानी पढ़ी होगी तो वहां हमको पता चलता है, अलग अलग जगहों पर हमको पता चलता है जैसे कि वो साधु नहीं थे, साधु थे परंतु गृहस्थ रहकर वो साधु परंपराओं को निभा रहे थे। एक साधु के जो कर्तव्य होते हैं, जो नियम होते हैं, उनका पूरी तरह से वो पालन कर रहे थे। दूसरा, उनके बेटे की मृत्यु के समय हम देखते हैं कि बेटे की मृत्यु पर वो रोते नहीं है बल्कि वो खुशी से झूम उठते हैं, गीत गाते हैं, अपनी बहू को भी उत्सव मनाने के लिए कहते हैं, उससे कहते हैं कि रो नहीं, आत्मा का मिलन परमात्मा से हो रहा है। फिर अगर बात आती है चिता में आग लगाने को अपने पुत्र की, तो वो अब खुद ना अपने पुत्र की चिता को आग लगाकर अपनी बहू से कहते हैं, अपनी बहू से अपने पुत्र की चिता में आग दिलवाते हैं। और लास्ट में हम एक और उनका ये देखते हैं कि वो अपनी बहू को कहते हैं कि वो अब दूसरा विवाह कर ले। तो इन 4 आधारों पर हम कह सकते हैं कि बाल गोविंद भगत जो हैं, वो हमारी जो सामाजिक प्रचलित मान्यताएं हैं उनको वो मानते नहीं थे। और अब बात आती है 8वें प्रश्न की। तो 8वां प्रश्न है, धान की रोपाई के समय समूचे माहौल को भगत की स्वर लहरियां किस तरह चमत्कृत कर देती थी, उस माहौल का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं दूंगी, ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस अभी किया है, आपको खुद खोजना है इसका आंसर, ये आपका होमवर्क है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन जो है इनके आंसर समझ में आ गए होंगे, आपको इनके आंसर को अच्छे से समझ के अपने शब्दों में उसको अच्छे से लिख कर आपको अपने नोट्स को प्रिपेयर करना है। धन्यवाद।